तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ एक मस्त सी नाइट क्रीम, स्वाति। और आज हम बनाने वाले हैं नाइट क्रीम जो कि फुल्ली मॉइस्चराइजिंग हो, नॉरिशिंग हो और स्किन ब्राइटनिंग के लिए भी हो। तो क्विकली आई एम गोइंग टू शो यू कि व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स वी आर गोइंग टू यूज़। तो सबसे पहले जो हम यूज़ करेंगे दैट इज़ क्यूक्यूम्बर जेल, माई फेवरेट क्यूक्यूम्बर जेल, क्योंकि गर्मियों का सीज़न है और मुझे चाहिए स्किन के लिए थोड़ी ठंडक, ठीक है। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू यूज़ पपाया जेल, बिकॉज पपाया आपको पता ही है कि आपके सारे टैन, सारी स्किन की ब्लेमिसेस, डार्क स्पॉट्स, सारी चीज़ों को रिमूव करता है। तो सेकेंड हमारा हो गया पपाया जेल, सेकेंड इन्ग्रीडियंट। थर्ड आई एम गोइंग टू यूज़ ग्लिसरीन, थोड़ा सा लूँगी ग्लिसरीन, बिकॉज ग्लिसरीन ना मॉइस्चर कंटेन करके रखता है आपकी स्किन के अंदर। एंड फोर्थ वन इज़ लिटिल बिट ऑफ आलमंड ऑयल। मैं कहती हूँ कि आफ्टर योर 40s यू नीड ऑयल इन योर स्किन। रोज़ वाटर काफ़ी हाइड्रेटिंग होता है, गर्मियों का सीजन है एंड दिस इज द क्रीम स्पेशली फॉर द समर सीजन। माई फेवरेट एलोवेरा जेल, एवियन की कैप्सूल एंड जैस्मिन। चलो तो लेट्स गेट स्टार्टेड, नाइट क्रीम बन जाए, समर्स के लिए बेस्ट है। टारगेट क्या है हमारा कि हमारा नॉरिशमेंट बना रहे, जो मॉइस्चर लॉस हो रहा है गर्मियों की वजह से वो भी रिटेन रहे हमारे स्किन में। और रात का टाइम बेस्ट है, जस्ट क्लीन योर फेस और अप्लाई करो। तो ऑलमोस्ट देखो आई हैव टेकन 1 स्पून फुल ऑफ द क्यूक्यूम्बर जेल, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू टेक ऑलमोस्ट 1 स्पून फुल ऑफ द पपाया जेल। पपाया जेल तो मंगा लो आप, जो भी मतलब स्किन की टैनिंग है, पिंपल्स के दाग है, कुछ भी है, सारी चीज़ों में बहुत अच्छा काम करता है। एंड अगेन 1 स्पून फुल ऑफ एलोवेरा जेल, ठीक है। और इसमें मैं लेने वाली हूँ 2 स्पून रोज़ वाटर। रोज़ वाटर तो मेरा फेवरेट है, ठीक है। आई हैव एडेड रोज़ वाटर। नाउ ग्लिसरीन मैंने इसलिए बोला क्योंकि ग्लिसरीन ना आपके इन्वायरमेंट से भी मॉइस्चर आपके स्किन को प्रोवाइड कर देता है ड्रैग करके, दैट्स वाई ग्लिसरीन। थोड़ा सा ही लेना, 1/2 स्पून काफ़ी है। अगर ड्राई स्किन है तब तो 2 स्पून लेना, मेरी ऑयली स्किन है मैंने तो इसलिए 1/2 स्पून लिया है। और एलमंड ऑयल भी मैं बिल्कुल 1/2 ही लेने वाली हूँ, 1/2 स्पून, ठीक है। नाउ एवियन की ओनली 1 कैप्सूल, देखो मैं आई टेकन एवियन एंड मैंने आप लोगों को हैंड के लिए भी DIY क्रीम बताई थी, होप आप लोगों ने बनाया होगा, उसको यूज़ किया होगा, आपके हैंड्स काफ़ी हेल्दी लगेंगे बिल्कुल खिले खिले से। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट माई फेवरेट एसेंशियल ऑयल, क्योंकि रात में सोते वक्त भी कुछ तो खुशबू होनी चाहिए। एसेंशियल ऑयल तो आप बिल्कुल मंगा ही लो, 2, 4, 5, 6 मंगा लो और जस्ट यूज़ इट, 5 ड्रॉप्स। पता है एसेंशियल ऑयल से ये है ना कि आप डी स्ट्रेस हो जाते हो, एरोमा आपके जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं ना उनको बड़ा रिलैक्स करता है। नाउ मिक्स इट क्वाइट वेल, मिक्स इट। नाउ जस्ट हैव अ लुक, देखो अच्छे से अच्छा नाइट क्रीम भी फेल है क्योंकि इसमें आपने वो डाला है जो आपको चाहिए थी। अब मेरी स्किन इतनी डैमेज तो है नहीं कि मैं ज़्यादा और एक्स्ट्रा चीज़ें केमिकल्स का यूज़ करूँ, मेरे लिए तो बस इतना है कि बस मॉइस्चर रिटेन रहे मेरे स्किन में। अगर मॉइस्चर रिटेन है ना तो आपके कभी भी रिंकल्स, फाइन लाइन्स, ये सारी चीज़ें बहुत लेट से आपके लाइफ में एंटर करेंगी। तो मेन तो यही है कि ऑयल एंड मॉइस्चर जो आपके स्किन में बिल्कुल बनी रहनी चाहिए। तो गर्मियों में तो खासकर ज़रूरी है कि आप 2-4 जेल तो रखो एंड जेल वाटर रिटेंशन में बहुत हेल्प करता है एंड आपको कभी कुछ लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, यू विल बी ग्लोइंग ऑलवेज। नाउ जस्ट सी, फ्रिज में रखो ठंडी ठंडी। अभी जस्ट मैंने अपना पूरा फेस क्लीन किया है, नाउ जो मैंने क्रीम बनाई थी आई विल टेक लिटिल अमाउंट, इसको थोड़ा सा मैं फिंगर में रब करूँगी। आई विल अप्लाई इट ऑन माई फेस लाइक दिस, है ना, एक अच्छा सा गुड मसाज। तो
फुल मसाज। ओवरनाइट 2 मिनट तक, इतना कि आपके स्किन में ना थोड़ी वार्म्थ चली जाए आपके हाथों के मसाज से, तो जो वार्म्थ जनरेट होगी ना वो पेनिट्रेट करने में हेल्प करेगी। जो भी आपने इसमें डाला है, ग्लिसरीन है, जेल्स हैं, तो आपकी स्किन पूरी हाइड्रेटेड रहेगी। और एक बार ये प्रेशर पॉइंट्स को अपना प्रेस कर लो। हल्के हल्के से स्ट्रेच 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 स्ट्रेच। नाउ जस्ट आई एम डन विद, जस्ट लीव इट ओवरनाइट एंड मेक योर डीआईवाईज एंड यूज इट।